इस बार मेवात से टिकट मिलेगा तो मेवात के लोकल माइनॉरिटी को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। कामा मेवात से स्थानीय अल्पसंख्यक को मिलेगा भाजपा टिकट। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का विवादित बयान, बयान के अलग अलग निकाले जा रहे हैं मायने। बयान का पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंगल ने जताया विरोध। कामा में भाजपा की आपसी गुटबाजी अब जग जाहिर होती जा रही है। हालांकि विधानसभा चुनावों को अभी एक वर्ष बाकी है, लेकिन भाजपा नेता आपस में ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उसी चलते बुधवार को अल्पसंख्यक मोर्चा के एक बैठक में एम सद्दीक खान, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, ने विवादित बयान देते हुए कह दिया कि इस बार स्थानीय अल्पसंख्यक व्यक्ति को ही मेवात से टिकट मिलेगा और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से अपने नजदीकी संपर्क होने का भी दावा कर दिया। यहां तक कि लोगों का विश्वास दिला दिया कि वह भी चुनाव लड़ना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कामा विधानसभा क्षेत्र से भरतपुर जिला प्रमुख जगत सिंह ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंगल भी लगातार लोगों से जनसंपर्क कर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। वहीं पूर्व डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष जवाहर सिंह बेड़म भी लगातार लोगों के संपर्क में हैं और पिछले चुनावों में भाजपा प्रत्याशी थे। ऐसे में यह बयान देना कि स्थानीय अल्पसंख्यक को विधानसभा टिकट मिलेगा, यह चौंका देने वाला बयान है। इस बार मेवात से टिकट मिलेगा तो मेवात के लोकल माइनॉरिटी को मिलेगा। आप यकीन जानिए, मैं बहुत अच्छा लड़ना चाहता हूँ। मैं अरुण चतुर्वेदी जी मेरे सीनियर राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे और आज जो अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरे सीनियर हुआ करते थे। मैं तब से उनके साथ 89-90 से उनके साथ काम करता हूँ। मैं जितना जुझा हूँ, आज हमारे अध्यक्ष सतीश पूनिया है, मैं भी उतना ही जुझा हूँ और मैं उतना ही लड़ना चाहता हूँ। इसलिए कामा से टिकट मिलेगा तो माइनॉरिटी को टिकट मिलेगा। ये भाजपा एक तरफ तो सभी को साथ लेकर चलने की बात कह रही है, लेकिन उसी भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जातिवाद को बढ़ावा देते हुए अपना बयान जारी कर रहे हैं। वहीं भाजपा के स्थानीय वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस तरीके से बयान देना बिल्कुल गलत बात है। यह तो हाईकमान तय करेगा कि पार्टी का टिकट किसको दिया जाना है। अभी चुनावों को काफ़ी समय है, अभी ऐसे और इस तरीके से बयान देने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। हालांकि इस बयान के लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। इस बयान के बाद तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हमीद खान मेवाती के सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र जैन के गुट के जुम्मे खान के पक्ष में भी बयान जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वह स्थानीय भी हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से भी हैं। बयान के बाद भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंगल ने कहा कि कामा विधानसभा क्षेत्र की सीट किसी जाति के लिए आरक्षित नहीं है, यह जनरल सीट है और यहां टिकट किसको मिलेगा यह हाईकमान तय करेगा। इस तरीके से बयान देना गलत बात है और मैं इस बयान को कोई महत्व नहीं देता हूं। रही बात कामा विधानसभा में कमल खिलने की, तो इस बार कामा की जनता को विश्वास में लिए बगैर किसी बाहरी उम्मीदवार या अयोग्य उम्मीदवार को उतारने की कोशिश की गई तो कामा की जनता भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी। पहले चुनावों में 40,000 से भाजपा की हार हुई थी, इस बार इससे भी ज़्यादा वोटों से चुनाव हार होगी अगर अयोग्य और बाहरी उम्मीदवार को उतारा गया तो। भाजपा का एक सच्चा सिपाही हूँ, इसलिए बयान देकर अपनी पार्टी के नेताओं को सचेत कर रहा हूँ कि वे जनता की राय के विपरीत उम्मीदवार नहीं उतारें। पहले से ही कांग्रेस सरकार से क्षेत्र की जनता त्रस्त है।